आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिन से मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तो मुझे रुक रुक के बहुत परेशान हो गया, बहुत दिन रुक लिया खाने के लिए। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म टाटा, तो अब इंतज़ार हुआ ख़त्म, तो जा रहा हूँ खाने के लिए और बताऊँगा बहुत कुछ। चलते हैं देखते हैं। और आज का दिन बहुत हंगरी है, तो मैं आज का खाना और खाऊंगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद खाना नहीं खाया था, तो अब लंच का वक्त हो गया, तो लंच कर लेंगे। तो लंच के लिए अब होगा बिरयानी। तो बने रहिए चैनल पे, और चैनल को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करिए। और इस गज से मैंने फॉल जो दिख रहा है आपको, उसको आके मेरा आफ्टरनून हो गया, उसका बाद में हम गया खाने के। जब आप कोई काम किस वो माय गॉड, जब आप कोई काम करते हो इसके लिए आपका बहुत एनर्जी खर्च होता है, तो एनर्जी को खर्च करने के बाद दूसरा फिल अप करने के लिए आपको प्रॉपर डिश चाहिए। इसके लिए आपको ये डिसिप्लिन, माइंड डिसिप्लिन, माइंड मैनेजमेंट, ये आना ज़रूरी है, ठीक है। और ये सब कुछ माइंड ही तय करता है, और जो आपका माइंड माइंड दो आपका लाइफ में दो फैक्टर है जो आपको कंट्रोल करता है, एक है आपका माइंड और दूसरा है इमोशन। अगर इमोशन अगर माइंड के ऊपर हैवी हो गया तो माइंड काम करना बंद कर जाएगा, तो आप इमोशनल होके जहाँ पे भी इमोशनल आप होना चाहते हो वहाँ पे होके होना, और जहाँ पे नहीं होना चाहते हो वहाँ पे हो गया, तो आपका जो माइंड का पावर है और इसका रिजल्ट बहुत बुरा आता है, बहुत ख़राब, आप इसको सोच नहीं सकते हो। तो इसलिए माइंड को कभी इमोशन के माइंड के ऊपर हैवी नहीं होने देना। एक्चुअली हमारा इमोशन माइंड से भी कंट्रोल होता है, अगर कभी इमोशन ओवरफ्लो हो जाता है नीचे से ऊपर तो आपको दिक्कत आएगी, और बहुत सारा इस वजह से आपका काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए अब जो साइकोलॉजी है माइंड किससे चलता है, साइकोलॉजी एंड क्रिएटिविटी से, जो डेली काम आप करते हो वो साइकोलॉजी से होता है, और जो आपका पढ़ते हो ठीक है वो क्रिएटिविटी से आपको होता है। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख रही है, मेरा क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी जब क्रिएटिविटी आप लगातार अप्लाई करते हो वो आपका साइकोलॉजी में बंद चल जाता है। तो इसलिए कभी इमोशन को, इमोशन अगर बुरी तरह से फंस जाओगे इमोशन में तो माइंड के ऊपर कंट्रोल जाएगा, चला जाएगा। अगर माइंड के ऊपर हैवी हो जाएगा आपको छुड़ाने के लिए बहुत वक्त लगता है माइंड से को ये इमोशन से बाहर निकालने के लिए। कोई चीज़ माइंड के ऊपर हैवी नहीं होने देना, अगर हो गया तो आप बर्बाद हो जाओगे, बहुत वक्त लगेगा, इसका टाइम बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए लोग आपको, आप जो लोग आपका पीछे टैंक की चाय करते हैं ना, वो लोग आपको इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं और इमोशनल बनाने के, उसका बाद आपको कोई रिजल्ट नहीं आए। तो इसको आप कंट्रोल करना सीख गए तो अच्छा होगा। तो ये था बात, और हम पूछ रहे हैं मेन रोड के पास, तो इसलिए मैंने सोचा इसको बात किया जाए, और इसलिए मैं इसको बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है और मेरे साथ लगातार हो रहा है और होगा जब तक सबूत नहीं करोगे आप, और आपको बिना मैं भी अधूरा और तुम भी अधूरा। चाह रहा हूँ वीडियो से तू कुछ मैसेज देने के लिए, और जो मेरा पर्पस है जो इस वीडियो का जिस पर्पस से बनाता हूँ उस पर्पस में ट्राई करता हूँ फुलफिल होने के लिए। 80-90% हो गया तो 100% तो ट्राई करूँगा होने के लिए, तो अच्छा हो जाएगा तो आप मिल जाएंगे। इसलिए तो आ गया हूँ पास बाय मेन रोड के पास, और इंतज़ार करेंगे तो मिलते हैं खाने के, ठीक है। शूट कर रहे हो ठीक है, बात कर रहे हो आप डायरेक्ट आँखों से आँख मिला के लिए, अगर और बंदे से कुछ बात कर रहे हो तो आपको आँखें से आके डाल के करना चाहिए, तो इसके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको दिखाता है। अगर आँखों से आँख नहीं डाल पाते हो तो इसलिए आप बहुत लो फील कर रहे हो। तो आपका ये आँखों से आँख मिलाने के लिए एनर्जी यूज़ होता है, तो कब आँखों से आँख मिलाना है तो आपको जानना ये ज़रूरी है। और जब शूट कर रहे हो तो आपको
डायरेक्ट कैमरा के आपका आंखों जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको को देख के बात करना चाहिए, तब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो आपका अच्छा जो देखने वाला व्यूअर है वो आपको अच्छा लगेगा। ये था आने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, बस ठीक है बाइक नहीं मिल रहा है जाने के लिए, तो बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर एक्चुअल में यहाँ पे दो रोड है, ये बाईपास से ये के मेन रोड पे एक मेन गाड़ी है, बहुत गाड़ी चला जाता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ बाईपास में से जाऊँगा तो अच्छा होगा, बहुत दूरी कहूँ कि हटने का नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बाइक का इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई बाइक लिफ्ट देता है तो अच्छा होगा, तो देखते हैं बाइक के जा पाता हूँ या नहीं, तो बने रहिए। मैं आ चुका हूँ घर बाजार रेस्टोरेंट के पास, और मैंने पहला ले लिया बाइक से कुछ देर कुछ आगा मैंने आया, उसका बाद मैंने ले लिया मैं स्विफ्ट। और इस गाड़ी के जब देखा मुझे बहुत न्यूज ऑफ बिल हुआ, यहाँ पे आपका जो स्मार्टफोन का सिस्टम है वो दे दिया, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा। और हम बात कर रहे थे इस तरह ट्रैक के बारे में, पानी का ट्रैक पे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको जाके सब्सक्राइब करिए आप बर्निंग आर्क टेक को, आपको बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने मिलेगी। तो आ चुका हूँ होटल पे, तो दिखा देते आपको, ये रहा होटल, और इस होटल पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे आज का खाना हो जाएगा। यहाँ पे आपका सिटी सेंट मेडिकल शॉप है, मेरठ शॉप है, और यहाँ पे खाना होगा, और खाने के टेबल पे हम मिलेंगे। ठीक है, कॉलेज रोड है, इस होटल का खाना अच्छा, यहाँ पे सामने जो होटल वो बंद है, तो इसलिए इस होटल, और ये मेरा प्रेफर्ड होटल है, अच्छा लगता है इसको। ठीक है, तो चलते हैं होटल के तरफ। आप होटल, और इस होटल में दो अपार्टमेंट है। ठीक है, ये पहला, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, और ये दूसरा अपार्टमेंट है। ठीक है, और यह अपार्टमेंट आप देख लीजिए इसको, और अगर इस रूम में अगर जाते हो तो आपका फीस 10 रुपया देना पड़ता है। मैं अभी इस रूम पे जाके मेरा बिरयानी ऑर्डर कर लिया, उसको खाऊंगा, और इधर मैं नहीं जाऊंगा, और जब पैसा आ जाएगा तो चलेंगे। अभी कुछ शॉर्ट तो चलते हैं इस बिरयानी के तरफ, और तो खाते शॉप पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और चलेंगे दूसरी बात वीडियो में, हम इसका डिटेल देखेंगे क्या होता है। तो ये आ गया बिरयानी, अब बिरयानी खाने का बाड़ी है। अरे भाई, तो मैं बिरयानी को प्लेट में कर रहा हूँ, और इस बिरयानी के अंदर एक बॉइल्ड एग है, और बिरयानी बिरयानी के लिए मैं इसको इस तरह, ये मेरा प्याज आ गया, और यहाँ पे मिलते हैं 2 35 35 3 पीस हमारा चिकन आ गया, और खाना शुरू कर देखते और यहाँ पे मिर्चा आ गया, और इसको चम्मच को साइड में रख के मैं हाथ से खाना पसंद करूँगा, तो चलते खाने के लिए। एक पीस दो पीस ठंडा हो गया बहुत, अरे भाई यार तू तो तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह कहते हैं।
मालिक के लिए क्या कर दिया बिरयानी। एक्सीडेंट हो गया, इसको बाद में हम बात करेंगे। तो बिरयानी एक का मेरा पेट भर गया तो खाना खा लिया, आप जा रहा है घर में और देखते आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होगा और मिलेंगे अगली ब्लॉग में। और वीडियो के देख रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हो, नॉर्मल बिरयानी है, कोई हैदराबादी बिरयानी नहीं है, बेंगलुरु बिरयानी नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल बिरयानी है, ठीक है। नॉर्मल बिरयानी के लिए आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो ड्रीम, और ये आपका बॉयल एग और चिकन के साथ चिकन देता है। तो ये आज का ब्लॉग अच्छा रहा टेस्ट, बट वो कुछ ठंडा हो गया गर्म गर्म खाने के लिए, दूसरा मज़ा ही है। तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब करिए ये रेस्टोरेंट का। तो इससे जाने के बाद तो देख लीजिए कुछ ऑर्डर।